देन आज हम बायोलॉजी का जो चैप्टर नंबर 14 है उसका अगला टॉपिक लेके चलेंगे, जो कि है पेज नंबर 86 पे, फर्टिलाइजेशन। चिल्ड्रंस, फर्टिलाइजेशन क्या है? आफ्टर द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, फर्टिलाइजेशन अकर्स एंड देयर आर टू मैकेनिज्म बाय विच द फर्टिलाइजेशन कैन टेक प्लेस, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन एंड इंटरनल फर्टिलाइजेशन। तो स्टूडेंट, अगर आपके पास क्वेश्चन आता है राइट द मेकनिज़म्स ऑफ फर्टिलाइजेशन, तो आपने बताना है कि इसकी दो टाइप मेकनिज़म है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, एक इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। तो आपने मतलब सवाल को समझ कर उसका फिर उस तरतीब से आंसर देना है। तो फर्स्ट इज द इन एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक सेल्स आर फर्टिलाइज आउटसाइड ऑफ अ बॉडी, जैसे कि आप देख सकते हैं। लेकिन इसके लिए ज़्यादातर जो रिक्वायरमेंट होगी वो इक्वेटिक एनवायरनमेंट की होगी, यानी जहाँ पे पानी मौजूद हो। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स मोस्टली इन इक्वेटिक एनवायरनमेंट, इट रिक्वायर्स बोथ द मेल एंड द फीमेल एनिमल्स टू रिलीज देयर गेमीट्स एंड टू देयर सराउंडिंग एट ऑलमोस्ट द सेम टाइम, यानी एक ही वक्त में दोनों को रिलीज करने पड़ेंगे अपनी गेमीट्स को, यानी फीमेल को अपना ओवम जो है और मेल को जो अपने स्पर्म सेल्स हैं। फॉर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन द एनिमल्स हैव टू रिलीज ग्रेट नंबर ऑफ गेमीट्स एंड यानी काफ़ी ज़्यादा एग्स भी रिलीज करेगी फीमेल और मेल भी। इन द एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन देयर इज द रिस्क ऑफ लॉस ऑफ गेमीट्स ड्यू टू द एनवायरमेंटल हैजर्ड्स सच एज प्रीडेटर्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन अकर्स इन मेनी इनवर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स स्टूडेंट्स ने मेंशन किया हुआ, इनवर्टिब्रेट्स में ज़्यादातर ये होता है एंड द फर्स्ट टू ग्रुप्स ऑफ द वर्टिब्रेट्स, फॉर एग्जाम्पल द फिशेज एंड एम्फीबियंस में भी होता है, जो कि ग्रुप वर्टिब्रेट्स के दो पहली ग्रुप्स हैं। फिशेज में जो कि आप देखते हैं कि वर्टिब्रेट्स क्या हो, जिनके प्रॉपर जिनमें हड्डियाँ होती हैं, बैकबोन होती है जिनकी, और एम्फीबियंस भी इसमें आते हैं, एम्फीबियंस यानी फ्रॉग्स वगैरह, और फिशेज भी इसमें इंक्लूडेड हैं वर्टिब्रेट्स में। नेक्स्ट हमारे पास है, नेक्स्ट है द इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एक्स सेल्स आर फर्टिलाइज विद इन द रिप्रोडक्टिव ट्रैक ऑफ द फीमेल, इट अकर्स इन द रेप्टाइल बर्ड्स एंड मैमल्स। तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि ये किस जो है हमारे पास फाइलम है, एक रेप्टाइल्स हैं यानी क्रोकोडाइल है, स्नैक्स वगैरह बर्ड्स में, और मैमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन। मैमल्स कौन से एनिमल्स होते हैं जिनका प्रॉपर स्किन पे हेयर होते हैं और अपनी बॉडी जो उनके बच्चे होते हैं उनको जन्म देते हैं, यानी पैदा करते हैं, दूध पिलाते हैं अपने बच्चों को। तो फिर आप देखें शीप, गोट, काउस इंक्लूडिंग ह्यूमन्स, तो सारे इसमें आते हैं। सच एनिमल्स प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू द डिवेलपिंग एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, द रेप्टाइल्स एंड द बर्ड्स मेक प्रोटेक्टिव शेल्स, क्या करते हैं इनका बाकायदा शेल बनता है, जी एग प्रॉपर इनकी बनती है। तो एग की शेल आप देख सकते हैं कि वो हार्ड होती है अराउंड द अंदर एग सेल्स एंड देन दे ले देम, और फिर वो अंडे देते हैं। द शेल इज रेजिस्टेंट टू वाटर लॉस एंड डैमेज इन मैमल्स विद द एक्सेप्शन ऑफ द एग लाइंग मैमल्स, के सिर्फ एग लाइंग मैमल्स भी कुछ हैं, कुछ एक्सेप्शन है इनमें भी। द डिवेलपमेंट ऑफ द फर्टिलाइज टेक इन टू न्यू बेबी टेक प्लेस विद इन द मदर बॉडी, इन दिस केस देयर इज अ एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन टू द एम्ब्रियो एंड द मदर आल्सो सप्लाइज एवरीथिंग दैट एम्ब्रियो नीड्स। तो स्टूडेंट ये आप देख सकते हैं, ये एक एग के अंदर किस तरह फिर एम्ब्रियो होता है, और फिर अगर मैमल्स का केस हो, इन सिर्फ इनके एक्सेप्शन के जो एग लाइंग मैमल्स भी कुछ हैं, तो फिर वो प्रॉपर जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक है इन उसके ही बॉडी में ही पूरा जो है वो एम्ब्रियो डेवलप होता है एंड टू अ न्यू इंडिविजुअल। नेक्स्ट पेज पे स्टूडेंट हम जाएंगे रिप्रोडक्शन इन रैबिट्स किस तरह है। तो रैबिट्स आर स्मॉल मैमल्स फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, दे आर यूज्ड इन रिसर्च एंड एज एक्सपेरिमेंटल एनिमल। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को स्टूडेंट पहले हम रीड आउट करेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ द टेस्टिस दैट प्रोड्यूस द स्पर्म्स। The male reproductive system of rabbit consists of a pair of testes that produce the sperm, the associated ducts that transport the sperms to external genitalia and the glands that air secretions to sperms. तो स्टूडेंट ये हम सारा देखेंगे सिस्टम इसका, तो देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी ग्लैंड्स भी, जैसे काउपर्स ग्लैंड लिखा हुआ है, इसके अलावा हमारे पास प्रोस्टेट ग्लैंड है, ये ducts हैं जो कि इसको सपोर्ट लेके जाएंगी टूवर्ड्स द एक्सटर्नल जेनिटेलिया, जहाँ से फिर ये फर्दर ट्रांसफ़र हो गई। दिस इज लोकेटेड इन द बैग ऑफ अ स्किन कॉल्ड द
A testis are located in the back of the skin called the scrotum that hangs below the body. Each testis consists of the mass of the coiled tube called the semini furis tubules. तो student यहाँ आप देख सकते हैं कि जो tubule है वो उसके ऊपर coil किए हुए होते हैं. scrotum के अंदर tubules होती हैं जो कि coil शक्ल में पड़ी होती हैं. In these tubules the sperms are formed. और वो इस scrotum के जो scrotum तो ऊपर skin type होती है, testis के अंदर ट्यूब्स नुमा चीज़ें होती हैं जो कि जिसके अंदर स्पर्म सेल्स बनते हैं. एंड व्हेन द स्पर्म्स आर मैच्योर दे एक्युमुलेट इन द कलेक्टिंग डक्ट ऑफ द टेस्टिस एंड देन पास टू द एपिडिडाइमिस. तो यहाँ पे जब स्पर्म्स मैच्योर होते हैं तो कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाते हैं और वहाँ पे एपिडिडाइमिस तक पहुँच चले जाएंगे, पास होंगे उसमें. फ्राम एपिडिडाइमिस स्पर्म्स मूव टू द स्पर्म डक्ट. अब वो स्पर्म डक्ट की तरफ जा रहे हैं, यानी यहाँ से निकल आएंगे एपिडर्मिस में, स्पर्म डक्ट की तरफ जाएंगे. कॉल्ड द वास डिफरेंस. यहाँ पे स्पर्म डक्ट तक पहुँच जाएंगे जो कि इसको वास डिफरेंस भी कहा जाता है. पम्प स्पर्म डक्ट एंड द जॉइंट यूरेथ्रा, यूरेथ्रा के को ज्वाइन करेंगे जस्ट बिलो द हिंडाइन ब्लेडर. द यूरेथ्रा ट्रांसपोर्ट बोथ स्पर्म्स एंड द यूरिन. सीमन इज द material containing the sperms in the fluid consists of a 10% sperm and the 90% fluid. As the sperm pass down the duct from the testis to urethra, the secreted glands and the various secretions, seminal vessels produce secretions that provide nutrients for the sperms. Prostate gland produce secretion that utilizes the acidity of the fluid. Cowper's gland produce secretions that lubricates the ducts. तो स्टूडेंट आप देख सकते हैं कि इसका ये glands जो है वो अपना अपना काम करेंगे, ducts को lubricate करेंगे ताकि dryness ना आए. वो जो सेमिनल वेसल है ये क्या सिक्रीट करेंगे कि भाई जो स्पर्म्स को जो न्यूट्रंस दिकार हैं वो उनको मिल सकें ताकि वो अलाइव रह सके. तो और काउपर ग्लैंड जो सिक्रीशन वो दैट लुब्रिकेट द डक्ट्स. तो काउपर जो ग्लैंड है वो सिर्फ लुब्रिकेशन ऐसे करेगा ताकि डक्ट्स जो हैं वो लुब्रिकेट रहे. तो उसमें मुख्तलिफ ग्लैंड हैं वो अपना काम कर रहे हैं ताकि सक्सेसफुली अलाइव और ऐसे स्पर्म्स को आगे ट्रांसफ़र कर सकें जो कि रिप्रोडक्शन में टेक पार्ट कर सकें. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ द रैबिट कंसिस्ट ऑफ द एवरीज एंड एसोसिएटेड डक्ट. ओवरीज आर द स्मॉल ओवल रीजन्स ऑर्गन्स सिचुएटेड इन द एब्डोमिनल कैविटी जस्ट वेंट्रल टू द किडनीज. स्टूडेंट यहाँ पे देख सकते हैं ये ओवरीज होती हैं, ठीक है, ये फलोपियन ट्यूब है, ये यूट्रस का पार्ट होता है जहाँ पे फिर जो है ना अगर को एक फर्टिलाइज होती है तो यहाँ पे वो अपना जो बेबी है वो यहाँ पे बनना शुरू होता है प्रॉपर. द आउटर रीजन ऑफ द ओवरी प्रोड्यूस द एग सेल्स एंड द क्लस्टर ऑफ द स्पेशलाइज सेल्स कॉल्ड द फॉलिकल. स्टूडेंट्स यहाँ पे डेवलप होते हैं जो जिनके अंदर एक एक ओवम फिर डेवलप हो जाता है, जो कि पीछे हम प्रोसेस देख चुके हैं कि कैसे एक जो एग सेल है वो मैच्योर होता है, सक्सेसफुल होता है, प्रोड्यूस होता है. तो स्टूडेंट इस तरह हर एक फॉलिकल में फिर एक एग सेल बनता है. From ovaries the egg cells are released in the fallopian tube. तो egg cells जो होते हैं वो fallopian tube में release होते हैं. But students only one egg cell. कभी कभी ऐसा होता है कि दो eggs जो हैं वो release हो जाते हैं, वरना कुदरत का ये कानून है कि जो egg cells mature होती हैं जिस day पे इसको release होना है तो वो कोई एक egg cell ही ऐसी होती है जो successful, बाकी disintegrate हो जाएंगी. लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक या दो, और अगर medications का कुछ असर हो तो दो से तीन भी एक्सेस जो है वो रिलीज हो सकते हैं कि वो फॉलोपियन ट्यूब के अंदर चली जाए. स्टूडेंट इसको फॉलोपियन ट्यूब कहा जाता है. द ओपनिंग ऑफ द फॉलोपियन ट्यूब लाइज क्लोज टू द ओवरी. उसकी जो ओपनिंग आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल ओवरी के करीब ही होता है. एंड द फर्टिलाइजेशन अक्कर इन द फॉलोपियन ट्यूब्स एंड द फर्टिलाइज्ड एग इज कैरिड टू द. यहाँ पे फॉलोपियन ट्यूब के बिल्कुल करीब ही फर्टिलाइजेशन हो जाती है. जैसे कि अगर ये एग सेल है और ये स्पर्म सेल्स हैं तो वो यहीं पे उसकी फर्टिलाइजेशन हो जाएगी. इसके बाद जो सेल होगा जो फर्टिलाइज होता है जायगोट की शक्ल में बनता है तो वो यहीं पे आगे मूव करता रहता है फर्टिलाइजेशन ट्यूब में, सॉरी फॉलोपियन ट्यूब के अंदर ही जाता है. और फिर यहाँ तक के जब यूट्रस में पहुँच जाता है तो वो
अगर वो फर्टिलाइज्ड हो तो फिर यहाँ पे अपना जो खुद को जो है वो अटैच कर देता है और आफ्टर वर्ड जो है वो एम्ब्रियो प्रॉपर उसकी डेवलपमेंट फर्दर स्टार्ट हो जाती है। तो द यूट्रस ऑफ द रैबिट इज़ डिवाइडेड इनटू टू सेपरेट पार्ट्स आर हॉर्न्स। द यूट्रस हॉर्न यूट्रस हॉर्न ज्वाइन एंड ओपन्स इनटू द वजाइना। जहाँ पे वजाइना में उसको वो ओपन होते हैं आर द बर्थ कैनाल। सर्विक्स इज़ द पोर्शन ऑफ द यूट्रस विच सेपरेट इट फ्रॉम द बर्थ कैनाल। ये जो बर्थ कैनाल है और यहाँ से उसको वो सेपरेट कर रहा है, यूट्रस का वो पार्ट होता है जो कि जहाँ पे विच सेपरेटेड फ्राम द बर्थ कैनाल, यूट्रस को बर्थ कैनाल से सेपरेट कर रहा होगा। वेयर द स्पर्म्स एंड मेल्स आर डिपॉजिटेड। तो यहाँ पे स्पर्म्स जो है वो डिपॉजिट करवा दीजिए, यहाँ से एंट्री होती है और फिर स्पर्म्स जो है वो यहीं से डिपॉजिट करवा दिए जाते हैं जो कि फिर फर्दर यूट्रस और यूट्रस से आगे फलोपियन ट्यूब में मूव करते हैं। फर्टिलाइजेशन डेवलपमेंट इन द रैबिट। रैबिट कैन ब्रीड थ्रू आउट द ईयर बट द मेल रैबिट्स आर कॉमनली स्टेराइल ड्यूरिंग द समर मंथ्स। इन समर मंथ्स में वो ज़्यादा फर्टिलिटी उनमें ज़्यादा होती है। मेल रैबिट डिपॉजिट्स स्पर्म्स भी है इन द वजाइना बर्थ कैनाल ऑफ द फीमेल एंड द स्पर्म्स स्विम थ्रू द सर्विक्स एंड यूट्रस टू द फैलोपियन ट्यूब्स वेयर दे फर्टिलाइज द एग। Egg cells released from the ovary. After fertilization, zygote is carried to the uterus. By this time, the zygote has started dividing and is now called embryo. The embryo is implanted in the uterus wall and the connection called the placenta is established between the embryo and the uterus wall. Embryo develops into a new offspring into 30 to 32 days, after which it is born.